हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप अपने ओल्ड प्लाजो के हेल्प से एक ब्यूटीफुल सा हाई लो कुर्ता क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज इसे जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ना भूलिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लाजो का जो इलास्टिक का पार्ट है उसे हम कैंची से कट करके रिमूव कर लेंगे। यहाँ मैंने रिमूव कर लिया है। अब प्लाजो का जो क्रॉस एरिया है उसे भी मैं कट कर लूंगी ऑल ओवर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑल ओवर इसे कट कर लिया है। अब मैं अपने प्लाजो को कुछ इस तरह फ्लिप करूंगी, वन अबव द अदर। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती प्लेस करके मेजरमेंट ले सकते हैं। हमें दो एक इंच का गैप छोड़ के मेजरमेंट लेना होगा। अब हम इसे ऑल ओवर कट कर लेंगे मार्किंग एरिया को। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो साइड के बचे हुए कपड़े हैं उसे मैं स्लीव क्रिएट करूंगी बाद में। अब मैं यहाँ गले का मेजरमेंट ले रही हूँ। गले के मेजरमेंट के लिए मुझे लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज 3 सेंटीमीटर और लेंथ वाइज 4 सेंटीमीटर पे मार्क करके कर्व लाइन ड्रॉ करके कट कर लेना है। तो यहाँ मैं सीजर के हेल्प से कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो गले का रॉ एजेस है उसे स्टिच कर लेंगे, और जो हमारा शोल्डर है उसे भी स्टिच कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना शोल्डर स्टिच कर लिया। अब मैं अपनी स्लीव कटिंग करूंगी। तो बचे हुए कपड़े से मैं अपनी स्लीव क्रिएट कर रही हूँ। स्लीव क्रिएट करने के लिए मुझे ये कपड़े मिले हैं दो कट करके, जो साइड के बचे हुए कपड़े से। तो उस पर मैं अपनी स्लीव का मेजरमेंट रख के मैं मार्क कर रही हूँ। तो जितना लंबाई मुझे चाहिए उतना लंबा मैं स्लीव क्रिएट कर रही हूँ। आपको जितना लंबा चाहिए, आपको शॉर्ट बनाना है स्लीव तो आप शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं 3/4 स्लीव बना रही हूँ। तो मार्क करके मैं इसे ऑल ओवर कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब मैं स्लीव को जिसे रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए स्टिचिंग दे दूंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने दोनों ही स्लीव को स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद आप इसे फोल्ड रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए ऑल ओवर स्टिच कर लिए। स्लीव से लेके बॉटम तक आप इसे स्टिच कर लिए दोनों साइड्स को। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आप इसे फ्लिप करिए। फ्लिप करने के बाद अब हमें हाई लो क्रिएट करना है। हाई लो क्रिएट करने के लिए हमें जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सेंटर पॉइंट से फ्लिप किया है। वो मेरे कुर्ती का फ्रंट का सेंटर पॉइंट था, वहाँ से मैंने फ्लिप किया है। अब वहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ फ्लिप करने के बाद। तो यहाँ मुझे 8 सेंटीमीटर पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे से 8 सेंटीमीटर का हाई चाहिए। अगर आपको 10-12 सेंटीमीटर का चाहिए, आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना लंबा मेजरमेंट लेके एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद हम इसे कैंची की मदद से कट कर लेंगे।
तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब आप इसे प्लेस करिए। प्लेस करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा नीचे का लाइन कितना अच्छा कर्व क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे फोल्ड करते हुए स्टिचिंग दे दूंगी ऑल ओवर। तो यहाँ मेरी कुर्ती रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे कुछ बटन्स भी ऐड किया है। आप सेम कुर्ती की पोटली भी क्रिएट कर सकते हो या सेम मैचिंग बटन भी क्रिएट कर लगा सकते हो। तो आज की मेरी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।